नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदी उपन्यास जो कि इकाई 6 में लगा हुआ है, एनटीए नेट जेआरएफ की इकाई 6 में कुछ उपन्यास हैं जिनमें राग दरबारी एक बहुत विशिष्ट उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी है। श्रीलाल शुक्ल का आंचलिक उपन्यास, और इसमें जो कोटि है उपन्यास की वो अविस्मरणीय है। इस उपन्यास के जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कुछ समीक्षा और सार संग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे, पात्रों की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्यान देंगे, और हम इस उपन्यास से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं पर आपके लिए कुछ जो चर्चाएं हैं वो करते रहेंगे, ताकि आपका एनटीए नेट जेआरएफ, इसके अतिरिक्त कुछ और भी परीक्षाएं पीजीटी टीजी टीडीएसएसबी भी आपकी सफल हो जाए। प्रारंभ करते हैं इस समीक्षा के बारे में। तो मित्रों, हमारे गुरुचेला एकेडमी में जुड़े रहे, मैं प्रभात मिश्रा आप सभी की हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। प्रारंभ करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का बहुचर्चित उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? सबसे पहले तो बात यही होगी, क्योंकि एनटीए नेट है, एनटीए नेट में प्रकाशन वर्ष क्रम से मिलाने वाले जुन रचनाकारों का जन्म, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही उत्तर के रूप में क्या होगा, 58, 68, 78 या 88? सही उत्तर जो होगा वो 1968 होगा। तो राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1968 में हुआ। पुनः देखते हैं दूसरा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब हुआ। देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो भी रचनाएं लगी हुई हैं प्रकाशन वर्ष क्या है, और दूसरा उन पर किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो ये दोनों ही चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ध्यान देनी पड़ेंगी। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें से, 70, 77, 69 या 75 सही उत्तर के रूप में बी ऑप्शन है, यानी 1970 में राग दरबारी उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 नंबर क्लास में देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? ये अपने आप में विशिष्ट है, राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ के लिए तो इसमें 3 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। सुनिंग घाटी का सूरज पहला पड़ाव, और उसके बाद में जो रचना है उसका नाम है विश्रामपुर का संत। सही उत्तर देखते हैं, डी ऑप्शन होगा, विश्रामपुर का संत रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। हम फिर देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। अब उपन्यास की कोटि की चर्चा करनी है। कोटि यानी क्या विषय शैली रही, किस प्रकार से उपन्यास की परिचर्चा की गई। तो प्रेम कथात्मक रूप में इसको वर्णित किया गया, व्यंग्य प्रधान प्रधानता रही, हास्य प्रधानता रही, या अन्योक्ति परक उपन्यास। अन्योक्ति परक का मतलब होता है कि कहा कुछ जाए और समझाने का प्रयास किसी तीसरी बात को दूर स्थित बात के बारे में, यानी वह भी एक प्रकार की व्यंग्यात्मक शैली ही होगी। तो राग दरबारी उपन्यास की कोटि क्या है, वह है व्यंग्य प्रधान। व्यंग्य प्रधान यानी जो राजनीति है, सत्ता है, या उस समय के जो दुराचारी धर्मिता है, उन सभी पर व्यंग्य किया जाए। तो सामान्य बात कह करके किसी विशिष्ट इंगितों का की ओर इशारा करना, किसी भी विशिष्ट की ओर इशारा करना, इसी को कहते हैं व्यंग्य प्रधान। और ये व्यंग्य प्रधान इस उपन्यास कोटि का महत्वपूर्ण तत्व है। पुनः देखते हैं इसमें किस कथा का वर्णन हुआ है, किस गांव की कथा का। तो वो हमारे पास में पहला मेरीगंज है, गाजीपुर, शिवपालगंज और पूर्णिया। तो मित्रों, सही उत्तर तो हम आपको पहले बता देते हैं, शिवपालगंज जो है उस राग दरबारी में शिवपालगंज की कथा का वर्णन हुआ। ये बिहार का एक गाँव है। इसके अतिरिक्त मेरीगंज पे भी चर्चा कर लेते हैं, वो मैलांचल में उसका नाम रखा गया है। राही मासूम रजा का आधा गांव, जिसमें गाजीपुर गांव की कथा का वर्णन है, और यहाँ पे तीनों ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे, राग दरबारी के लिए सही कथन है, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच टकराहट है। अब देखिए, विषय हम क्रमबद्ध रूप से चल रहे हैं, हम छोटे छोटे बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए प्रश्नों का सहारा ले रहे हैं, तो आपको यहाँ से सभी प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे संपर्क सूत्र है, कॉन्टैक्ट नंबर 9415552508 पे संपर्क कर सकते हैं। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच टकराहट, मानवतावाद के सच्ची परख, मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति का बखान। तो इनमें से सभी सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, आदर्शवाद यथार्थवाद के बीच टकराहट। आदर्शवादिता क्या होती है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आदर्शवाद का मतलब होता है कि जीवन क्या होना चाहिए, समझिएगा, आप नोट कर सकते हैं, ये आपको बहुत बार परेशान करता है। आदर्शवादिता क्या होती है, जीवन क्या होना चाहिए, भविष्य धर्मिता की बात। यथार्थवाद, वर्तमान समय की स्थिति क्या है, हम किस ऊहापोह में जी रहे हैं, जीवन क्या है,
उसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच की टकराहट, हम एक अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान से निकल करके उसकी ओर उन्मुख है, इसको कहते हैं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जो कि प्रेमचंद के उपन्यासों का विषय रहा। तो इसी में इसी विषय वस्तु के बीच में जो ऊहापोह है, द्वंद है, आड़ोलन विडोलन है, उसी की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। ए ऑप्शन सही होगा। राग दरबारी पर मित्रों दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में प्रसारित हुआ दूरदर्शन के द्वारा। धारावाहिक कब प्रकाशित हुआ ये यहाँ पे बताना है। तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी 1986। और नाम था नजर। जी हाँ, राग दरबारी दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में प्रसारित हुआ और नाम है नजर, यानी सी ऑप्शन। राग दरबारी का मुख्य पात्र, अब चलिए यहाँ पे अब कथानक की चर्चा कर दें। अभी तो हमने इसके बाह्य तत्वों की चर्चा की, उपन्यास के आंतरिक तत्वों का उद्घाटन करते हैं। मुख्य पात्र के रूप में रूपन, रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब या जोगनाथ। सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, रंगनाथ इसमें मुख्य पात्र के रूप में है। रंगनाथ की बात भी हम आगे चल करके करेंगे। एनटीए नेट में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी चर्चा हम करते रहेंगे आगे कुछ और बिंदुओं के माध्यम से। 10 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि नायिका पात्र कौन है। तो नायक कौन है, रंगनाथ, रुबैया, बेला, कुमुदनी और नीलिमा। सही उत्तर के रूप में बताना था, बी ऑप्शन होगा। तो नायिका कौन है, बेला नाम है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, रंगनाथ किस विषय से एमए करने के बाद शोध कार्य कर रहा है। जी हाँ, इसकी अगर हम परिचर्चा करते हैं तो परिचर्चा में हमारे पास में एक रंगनाथ नाम का व्यक्ति है जो गांव वापस आता है। जी हाँ, वह शहर से गांव वापस आता है और वो किस विषय से एमए करने के बाद शोध कार्य कर रहा है, रिसर्च कर रहा है या पीएचडी करने की तैयारी कर रहा है, तो विषय है उसका डी, इतिहास विषय से। रंगनाथ मूल पात्र के रूप में है, नायिका पात्र के रूप में बेला है, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। इसी पर एक नाटक भी रूपांतरित किया गया है, रंगनाथ की वापसी। और रंगनाथ की वापसी क्योंकि वह गांव से वापस आता है, उसी गांव वापस आने के बाद में वह ग्रामीण परिवेश का व्याख्यान देखता है, ग्रामीण परिवेश के बारे में जानता है, समझता है, यानी शिवपालगंज वापस आता है, इसकी ही चर्चा इसके अंतर्गत की है। तो राग दरबारी जो रचना है इसका रंगनाथ की वापसी नाम से रूपांतर जो किया गया, श्रीलाल शुक्ल, महीप सिंह, मणि मधुकर और गिरीश रस्तोगी। सही उत्तर के रूप में आपको बताना था वो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, गिरीश रस्तोगी। तो गिरीश रस्तोगी जी जो हैं, उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा का भी नाट्य रूपांतर किया है और रंगनाथ की वापसी नाम से राग दरबारी का भी रूपांतर किया है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए उनको जाना जाता है। फिर हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया। अब देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शोध कार्य करने वाला, उसका नाम है यहाँ पे रंगनाथ। स्थानीय गुंडे के रूप में है यहाँ पे हमारे पास जोगनाथ, सनीचर, छोटा पहलवान और रूपन। तो सही उत्तर जो होगा इस रचना के लिए, इस बिंदु के लिए, वो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, जोगनाथ। जी हाँ, जोगनाथ जो है वो स्थानीय गुंडे के रूप में इसमें वर्णित किए गए हैं। राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और इसका अपठित रहना, रह जाना ही इसकी नियति है। जी हाँ, एक उत्तर आपको चुनाव करना था, सही उत्तर के रूप में राग दरबारी जो है बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। ये कथन जो कहा गया वो किस पत्रिका में छपा, वो पत्रिका का नाम कल्पना कथा, कहानी और आलोचना है। सही उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कथा पत्रिका में छपा और ये श्रीपत राय जी की पत्रिका है, इसी के लिए इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है। ऊब का महाग्रंथ क्योंकि इसकी जो भाषा है, वो शैली जो है वो क्या है, व्यंग्यात्मक है, और जहां पर व्यंग्यात्मकता होगी वहां पर बौद्धिकता की प्रधानता होगी, क्योंकि व्यंग समझने के लिए, कहने के लिए, दोनों के लिए बौद्धिक स्तर का श्रेष्ठ होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यंग वैसे निरर्थक हो जाएगा। अगर व्यंग का जो उद्देश्य है वो सार्थक नहीं हुआ तो वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, वह अपठित रहेगा। इसलिए यह कथन कहा गया कि इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। अपठित पढ़ करके भी अगर बौद्धिक स्तर नहीं मजबूत है, सुदृढ़ है, तो वह समझ से परे होगा, इसलिए यह कथन कहा गया। तो दरबारी के यथार्थ चित्रण के कथन भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा,
अब देखिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि व्यंग्यात्मक शैली का है, व्यंग्यात्मक शैली का है, तीसरे पक्ष की प्रधानता है, भगीरथ में सिर्फ परमानंद श्रीवास्तव, नित्यानंद तिवारी और रामविलास शुक्ल। सही उत्तर के रूप में यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। नित्यानंद तिवारी जी ने राग दरबारी के खाते चित्रण की कथन भंगिता को व्यंग लीला कहा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पा रहा है। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक की है? निमिचंद जैन, परमानंद श्रीवास्तव, नित्यानंद तिवारी और रामविलास शुक्ल। बिल्कुल सही उत्तर के रूप में इसमें से चार ऑप्शंस में से एक होगा और वो है बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन में आपको चुनाव करना था परमानंद श्रीवास्तव। जी हाँ, परमानंद श्रीवास्तव बिल्कुल सही उत्तर के रूप में है। राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पा रहा था। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक की है? वो उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन मैंने आपको बताया, श्रेष्ठ आलोचक के रूप में। कुछ कथनों के माध्यम से हम उपन्यास का अंत करते हैं, जिससे आपको यह भी पता चल जाए कि कौन सा कथन इसमें कहा गया, किस प्रकार की व्यंग्यात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया। जी हाँ, और वो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर के रूप में होगा, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है, इसे कोई भी लात मार सकता है। जी हाँ, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, और वर्तमान समय की सीधी सीधी बेरोजगारी जो है वो इसके लिए सार्थक है। वर्तमान समय में इस वर्तमान शिक्षा पद्धति का कोई योगदान नहीं है। इसके बाद दूसरे कथन पे जब हम चर्चा करते हैं, तो एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो गया कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता है कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, जी हाँ महत्वपूर्ण कथन है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। जी हाँ, ये देखिए ये कथन क्या है, ये कथन कहने के लिए हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। अब हम भाषा की भी चर्चा कर लेते हैं इसी के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से। भाषा एकदम ग्रामीण देहाती अंचल की है, जिसमें किसी भी प्रकार की कुहड़ता का कोई भी क्लेश नहीं लगाया गया। तो भाषा के रूप में भी अगर हम बात करें तो आंचलिकता या जमीन से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग है, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लात मार सकता है। ये लात जो है बहुत ही सामान्य हमारे ग्रामीण अंचल का शब्द है। एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो गया कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ, इसका भी एक इंगितों के माध्यम से इसका भी प्रयोग प्रासंगिकता है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, और ये घास खोदना ये वर्तमान समय की जो रिसर्च पद्धति है, देखिए उस समय की, जैसे मैंने आपको बताया कि 1968 में इसका प्रकाशन हुआ, 68 के समय में रिसर्च जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, उस समय की जो रिसर्च है, पीएचडी है इतिहास विषय पे, उसका वर्णन किया जा रहा है। यानी इस उपन्यास में कितनी प्रासंगिकता जो है वो वर्तमान समय में सार्थक होती है। तो वर्तमान प्रासंगिकता को लेकर के राग दरबारी भी अव्वल दर्जे का उपन्यास है। गलियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में। देखिए सामान्य सी बात है, गालियों की चर्चा हो रही है और शब्दावली कितनी बेहतर है, मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में, साहित्यिक शुद्ध साहित्यिक श्रेष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग किया गया। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर भी उपन्यास प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में फिर पुनः देखते हैं हम, हृदय परिवर्तन के लिए एक रॉब की जरूरत होती है और रॉब के लिए अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की प्रासंगिकता के भी वर्णन यहाँ पे किया गया। तो कुल मिलाकर के उपन्यास सभी दर्जे में महत्वपूर्ण है। व्यंग्य प्रधान कोटि को धारण करते हुए वर्तमान समय में हो रही जो विसंगतियां हैं उनको चित्रित किया गया है। आज उपन्यास 50 वर्षों के बाद में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने प्रकाशन के समय में। तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हमने परिचर्चा की। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, टेलीग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से हम जुड़ेंगे आपसे। मैं प्रभात मिश्रा, हमारे चैनल गुरु चेला अकेडमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, 9415525028 PDF लाइव क्लासेस के लिए आपको संपर्क करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो मित्रों, हम आपसे आशा करेंगे कि आपको हमारा विषय, हमारी समीक्षा पसंद आई होगी। निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी। धन्यवाद।